लेट्स स्टार्ट। आज जो हम करेंगे कुछ मैथमेटिक्स में हम जो सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है, तो उनमें कुछ होते हैं ग्रीक अल्फाबेट्स। अभी तो आप लोगों ने उनको इतना यूज नहीं किया होगा। जैसे आप हायर क्लासेस में आगे जाओगे तो ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं जिनको हम मैथ्स में यूज करते हैं। तो वो कैसे होते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो चीज हम आज करेंगे। तो ग्रीक अल्फाबेट, उसको रिप्रेजेंटेशन लेटर कौन सा है उसका, वो और ग्रीक नेम क्या है वो चीज हम इस चीज को करेंगे। मैं लेटर लिखूंगी, आपको जल्दी जल्दी जिस बच्चे को जो भी पता है कि इसको क्या बोलते हैं वो मुझे रिप्लाई देना है, और साथ ही में उसकी इंग्लिश इक्विवेलेंट भी कर लेंगे कि अगर इंग्लिश में उसको लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है। ज्यादातर जो यूज होता है वो व्हाट्स द सिंबल एंड उसका नेम क्या है, हमें उस चीज पे ध्यान देना होता है। सो लेट्स स्टार्ट ऑन द फर्स्ट वन इज ग्रीक ए, रिप्रेजेंटेड एज दिस। तो इसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है, एनी आइडिया? इनफाइनाइट नहीं है ये, देखो ऐसे करके इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो अल्फा, इट्स अल्फा, ग्रीक नेम है इसका अल्फा, इंग्लिश इक्विवेलेंट आता है स्मॉल ए। द नेक्स्ट वन बी, डिनोटेड एज दिस बीटा। वेरी गुड, इट्स बीटा एंड इंग्लिश इक्विवेलेंट इज स्मॉल बी। द सेकेंड वन इज रिप्रेजेंटेड एज दिस गामा। देखो इसके कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये ग्रीक से कुछ अल्फाबेट्स लिए गए हैं जिनको हम मैथ्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो भाई जैसे हम एक्स वाई जेड यूज कर लेते हैं वैसे ये चीज है। आगे आप जैसे हम ट्राइंगल में एंगल बनाते हैं, ट्राइंगल के तीन एंगल्स होते हैं, ए बी सी। कोई इसको बी ए सी लिख देता है, अब जाओगे कोई इसको थीटा से डिनोट कर देता है, कोई वन से डिनोट कर देता है। तो जस्ट इट्स अ नोटेशन, ठीक है। तो ये ग्रीक से ली गई है इसलिए इनको ग्रीक अल्फाबेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन अल्फा बीटा गामा तो सबको पता था, अब बताओ इसको क्या कहते हैं। नो, इट्स नॉट अ ट्राइंगल, इट्स डेल्टा। नेक्स्ट इट्स अपसाइलन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। जब आपके पास अपसाइलन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। ग्रेजुएशन में जो बच्चे मैथ्स लेते हैं, प्योर मैथ्स की जब स्टडी करते हैं, तो जो अपसाइलन है ये वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज
इट्स जीटा। कुछ सिंबल तो इनमें ऐसे हैं कि जो ज्यादा यूज नहीं होते, और कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। तो अल्फा, बीटा, गामा, अपसाइलन, डेल्टा, जीटा, अभी तक जितने लिखे हैं ये तो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड अपसाइलन, ये तो कॉमनली ही यूज होते हैं। जीटा इतना नहीं यूज किया जाता। देन आफ्टर दैट वी हैव एच डिनोटेड एज दिस, तो इसको क्या बोलते हैं? नो इट्स नॉट ईटा, इट्स ईटा। ठीक है, ई। देखो अब अगर देखोगे जो इंग्लिश में हम इनको इक्विवेलेंट दिए हैं वो इनके नाम का फर्स्ट लेटर है। अल्फा का ए, बीटा का बी, गामा का जी, डेल्टा डी, अपसाइलन ई, जीटा जेड, ईटा ई। बट ग्रीक में इनकी रिप्रेजेंटेशन सेम नहीं है, वो अलग अलग है। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव, ये तो बहुत कॉमनली है जो आप लोगों ने देखा होगा, इसको मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि ये आपको पता होगा। यस इट्स थीटा। ओमिकॉन सिर्फ ओ होता है, इट्स थीटा। एंड थीटा को किस लिए यूज किया जाता है ज्यादातर? टू रिप्रेजेंट एंगल। ठीक है, एंगल को थीटा बोल देते हैं। हाँ जरूरी नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री में आप यूज करो, ट्रिग्नोमेट्री में थीटा कॉमनली यूज कर लिया जाता है, बट थीटा जो है वो ज्यादातर एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। अल्फा, बीटा, गामा भी सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नो नो दैट्स नॉट फॉर टू अल्फाबेट्स, ये सिर्फ एक समझाने के लिए है। ठीक है, मतलब इंग्लिश में इसके लिए दो लेटर्स यूज कर लिए जाते हैं। अब देखो इनमें क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि वन ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता? वैसे ही ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, ये अल्फाबेट्स हैं। देखो उसका नाम ही है अल्फाबेट। जब हमने एबीसी की थी तो तब ये नहीं था कि ए ऐसे ही क्यों है। सिमिलरली ये ग्रीक के हैं, तो ग्रीक अल्फाबेट्स जैसे उन्होंने दिए वैसे ही एक्सेप्टेड। आफ्टर दैट वी हैव व्हाट्स दिस, इसे क्या कहते हैं? ये बहुत यूज होता है, इट्स आयोटा। आयोटा कहाँ पे यूज होता है? मैथ्स के दो पार्ट होते हैं, प्योर मैथ्स एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट। आप ये बोल सकते हो कि कोई भी नंबर है जो उसको टू पार्ट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो आयोटा आपका एक इमेजिनरी नंबर की रिप्रेजेंटेशन है। इसकी वैल्यूज होती हैं, आयोटा स्क्वेयर जब हो जाता है दैट्स -1, तो आयोटा इज रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आफ्टर दैट आई हैव के रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, इट्स यस मोहित, आयोटा की पावर 4 1 होता है, वो ऐसे होता है। देखो आयोटा, आयोटा स्क्वेयर इज -1, आयोटा क्यूब इज आयोटा टाइम्स आयोटा स्क्वेयर। सो आयोटा को एज इट इज लिखा, आयोटा स्क्वेयर -1, सो आयोटा क्यूब इज -आयोटा।
आयोटा फोर इज आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर माइनस वन होता है, ये माइनस वन, सो आयोटा की पावर फोर वन, ऐसे करके आप आयोटा की कितनी भी पावर्स को ड्राइव कर सकते हो, उनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो ये चीजें भी सीखेंगे, बट फिलहाल हम इनके सिर्फ रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ आपके पास रिप्रेजेंट किया हो तो वो क्या होता है, उसको प्रोनाउंस क्या करते हैं। अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि बुक में अगर ऐसा सिंबल लिखा मिल जाए तो आप उसको प्रोनाउंस क्या करते हैं। तो अगर ऐसा लिखा मिलता है इट्स कापा, इंग्लिश में अगेन उसका फर्स्ट लेटर के, इसे क्या बोलते हैं, ये तो बहुत यूज होता है, लैम्डा, एल, जो ये सिंबल है इसको एक और नाम से, मतलब इसको एक चीज की और नोटेशन की जाती है, दैट्स द इंडेक्स सेट, वो अभी हमारे लिए नहीं समझ आएगा इसीलिए मैं उसको नहीं ले रही। एम जस्ट लाइक अ यू, यू आप ऐसे लिखते हो, इसमें ये फर्स्ट लाइन इसकी थोड़ी सी लंबी होती है, सेम वैसा ही कुछ नाम है जैसे हम यू को प्रनाउंस करते हैं, दैट्स न्यू, वेरी गुड। तो इंग्लिश अल्फाबेट क्या हो जाएगा इसका, एम। आगे है एन, इट्स न्यू, देखो ये ग्रीक के लिख रही हूँ, ये कुछ सिंबल्स हैं जैसे ये वाला हो गया, ये हो गया, तो ये हो सकता है कि प्रॉपर मेरे से ना लिखे गए हो, बट हमें ये वाले सिंबल्स को ध्यान में रखना है जो मैं सेकंड रो में लिख रही हूँ, आपको यही सिंबल्स लिखे मिलेंगे, ग्रीक वाले नहीं कहीं पे भी लिखे मिलेंगे, वो सिर्फ लिख दिया कि ग्रीक में इसे क्या लिखते हैं, बट हमें जो ध्यान में रखने हैं वो सेकंड रो में जो मैंने लिखे हैं, सेकंड कॉलम में जो मैंने लिखे हैं वो, और थर्ड कॉलम में जो मैंने लिखे हैं उनके नेम, वो आपको ध्यान में रखने हैं। जो मैंने अभी ड्रॉ किया जस्ट लाइक अ जेड, व्हाट्स दिस, इट्स जाइड, इंग्लिश में फिर ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एक्स। अब आ गया जो तुम लोग ओमिकॉन बोल रहे थे, इसकी रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल ओ, इट्स ओमिकॉन, नेक्स्ट, ये तो सबको पता होगा, पाई, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, यस इट्स 22 बाय 7 और 3.14, पाई इज इक्वल्स टू 22 बाय 7 और 3.14। अच्छा अगर आपसे कोई पूछे कि डिफाइन पाई इन टर्म्स ऑफ सर्कल, पाई को आपको डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ सर्कल, तो कैसे करोगे, किसी को पता है, कुछ आइडिया है, एनीवन? अच्छा सर्कल का रेडियस, डायमीटर, ये सब पता होगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर जिसको आप सर्कमफेरेंस भी बोलते हो वो क्या होता है, ये सबको पता होगा,
तो उसी चीजों को लेके हमें पाई को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ सर्कल। ओके, मैं बताती हूँ कि कैसे किया जाता है। नेक्स्ट आप 9th क्लास में जाओगे तो आपको वहां पे लिखा भी मिलेगा। यस, इट हेल्प अस टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। बट उसमें कैसे होती है, देखो अगर आपसे कोई पूछे कि पाई को डिफाइन करो तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, व्हेन वी डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल with its diameter, diameter of circle, then the number we get is pi. So हमें तब number मिलता है, that's pi. कैसे? Circumference कितना होता है circle का? 2 pi r. और diameter क्या होता है? Double the radius. So 2r से 2r cancel हो जाएगा, तो जो number हमारे पास बचेगा that's pi. तो पाई को अगर डिफाइन करना हो इन टर्म्स ऑफ सर्कल तो वो ऐसे किया जाता है कि जब हम सर्कल के सर्कमफ्रेंस को उसके डायामीटर से डिवाइड करते हैं तब हमारे पास जो वैल्यू आती है, जो नंबर आता है, दैट्स द पाई, उसको पाई कहा जाता है। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। सिंबल्स पे आते हैं फिर। क्या बोलते हैं रो, रो साइंस में रो को यूज किया जाता है टू डिफाइन वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम नहीं, डेंसिटी। ठीक है, ये कौन सा सिंबल है? मोहित, इट्स नॉट सीमा, इट्स सिग्मा। ये कौन सा सिंबल है? टाउ, वेरी गुड। इट्स टाउ को भी फिजिक्स में जब यूज करते हैं इन साइंस, तो जैसे टाइम को डिनोट करते हैं टी से, तो सिमिलरली कुछ वैसा ही टाउ को यूज किया जाता है। और टाउ को एक यूज किया जाता है टेंशन, वाई इट्स एप्सिलॉन। यू ये भी पता होगा आप सबको, अगर थीटा पता था, ये थीटा की ही तरह यूज किया जाता है इसको। अभी मैं ग्रीक अल्फाबेट्स पढ़ा रही हूँ, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, तो ये ग्रीक अल्फाबेट्स हम पढ़ रहे हैं। तो यस, इट्स फाई। देखो फाई को दो तरह से यूज किया जाता है, सिंबल इसका यही रहता है
जो फाई को यूज किया जाता है इन मैथमेटिक्स, इसको हम एक तो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे थीटा इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल, सिमिलरली फाई भी एंगल की रिप्रेजेंटेशन होता है. एंड द सेकेंड थिंग, फाई को डिनोट किया जाता है फॉर एम्प्टी सेट. ठीक है, तो अगर कहीं पे आप सेट तो आपको भी नहीं पता, तो फाई एक एम्प्टी वर्ड को भी आपका डिनोट करता है. इसमें इसकी इंग्लिश आ जाएगी पीएच. सो इट्स चाय. इंग्लिश सी एच. Is the sign yes, इसको साई भी बोल लेते हैं कुछ. ये बात ओमेगा. वेरी गुड, इट्स ओमेगा. तो कुछ ये मेरे पास ग्रीक अल्फाबेट्स थे, एक बार दोबारा देख लो. अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, आयोटा, कापा, लैम्डा, म्यू, न्यू, जाय, ओमिक्रॉन, पाई, रो, सिग्मा, टाउ, अपसाइलन, फाई, चाय, जाय, ओमेगा. तो अभी आपको एक काम करना है इसको लेके, कि कोई भी बुक लेना घर में रैंडम मैथमेटिक्स की, थोड़ी हायर क्लास की लेना अगर हो तो उसमें ढूंढना कि आपको ये लेटर्स नॉर्मली लिखे मिल रहे हैं या नहीं मिल. आपको बहुत से लेटर ऐसे लिखे मिलेंगे. तो अगर कोई बुक पढ़ी हो, मतलब कोई घर पे हो जो आपसे बड़ा हो, उसकी मैथ्स की कोई बुक है और उस मैथ्स की बुक में आप देखना, तो आपको फर्स्ट पेज से ही ये लेटर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं, रोमन नंबर सबने स्टडी किए हैं. यस, आपको इलेवेंथ के बुक में मिल जाएंगे. ये इलेवेंथ में तो आपको नॉर्मली मिल जाएंगे. मैंने अभी सिर्फ यही पढ़ाए हैं ग्रीक लेटर्स. ठीक है, अभी नेक्स्ट कर रहे हैं रोमन न्यूमरल्स. रोमन न्यूमरल्स आपने पढ़े होंगे, तो ज्यादा नहीं करेंगे, बस जो मेन मेन सिंबल है रोमन के वही करेंगे. तो सबसे पहले रोमन वन कैसे लिखते हैं, वन को रोमन में सिंगल लाइन. ठीक है, अगर डबल लाइन लिखी हो तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टू. तीन लाइंस हो, अच्छा अगर चार लाइंस लिख दूं तो क्या ये रोमन में वैलिड है, नो. तो क्या ये कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छा ऐसे क्यों नहीं लिखते, फोर को ऐसे डिनोट क्यों नहीं करते. वन टू थ्री को तो मैंने कर दिया लाइंस लगा लगा के, फोर को क्यों नहीं किया जाता. तो ये गलत है मेरे पास. फोर इज लाइक दिस. ये इसलिए नहीं किया जाता
क्योंकि मैंने जो पढ़ा था इसको लेके, तो उसमें लिखा था रोमन नंबर्स के जो रूल्स हैं उसमें पहला रूल यही है, आप किसी भी नंबर को सिर्फ 3 बार तक लिख सकते हो, 3 से ज्यादा टाइम नहीं लिख सकते। बट कहीं कहीं लिखा जाता है जब आगे इसको चलते हैं। एंड द सेकेंड थिंग, 0 को कैसे लिखते हैं? यस, देयर इज अ रूल दैट ओनली थ्राइस अ वैल्यू कैन बी रिपीटेड। यस, यही एक रूल है रोमन नंबर्स का, जब आप पढ़ोगे। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन नंबर्स में 0 को कैसे लिखा जाता है? नहीं, चलिए ये आपको कहीं किसी बुक में लिखा नहीं मिलेगा, तो इसको गूगल सर्च करना कि 0 को रोमन नंबर्स में कैसे लिखते हैं। तो वहां पे एक ही चीज लिखी हुई है कि 0 जो है वो इंडिया के द्वारा इन्वेंट किया गया था। तो रोम एक ऐसी कंट्री थी जिसने 0 को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो 0 की रिप्रेजेंटेशन इन रोमन नंबर्स अभी तक नहीं। नेक्स्ट, ये वी किसका सिंबल है? यस, रोमन में 0 की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसका रीजन यही लिखा हुआ है कि आर्यभट्टा जो इंडियन मैथमेटिशियन थे उन्होंने 0 को उन्होंने 0 दी थी हमें। तो रोम एक ऐसी कंट्री थी जिसने 0 को एक्सेप्ट नहीं किया। इट्स 5। अच्छा, ये 1 2 3 तो ऐसे लिखते आए, ये वी क्यों ही दिया 5 के लिए? इट्स अ रिप्रेजेंटेशन, तो वही बात आ जाएगी कि रिप्रेजेंटेशन है, जैसे दी थी एक्सेप्ट कर ली। बट इसके पीछे अगर वो नहीं, अब मैंने ये नहीं बोली कि वो बिल्कुल सच है, बट मैंने एक बुक से स्टडी किया था, दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल की बुक है, तो इस चीज को आप भी देखना कि ये बात सच है या नहीं। बट हाँ, जो मैंने बोली है बात, ये एक बुक से ली हुई बात है कि वी को 5 को वी से इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि हमारा थंब और लिटिल फिंगर को जब मैच करते हैं तो एक वी की रिप्रेजेंटेशन जैसे बनता है। द नेक्स्ट नंबर इज, ओके, सेवन। मैंने 6 को स्किप कर दिया, इट्स 7। ठीक है, तो बस मेन रोमन में रूल क्या होता है, किसी भी नंबर की लेफ्ट साइड जब नंबर लिखते हैं तो एक सब्ट्रैक्ट होता है, और जब किसी नंबर के राइट साइड पे नंबर लिखते हैं तो वो ऐड होता है। और फिर वही रूल सेम रहता है कि कंटिन्यूअसली 3 बार ही हम उस नंबर को यूज कर सकते हैं। सो व्हाट्स द रिप्रेजेंटेशन? एक्स क्या डिनोट करता है? 10। तो एक्स से मैंने एक लेफ्ट साइड पे लिखा तो ये क्या डिनोट करेगा? 9। और एक्स के अगर मैंने राइट साइड पे एक लिखा तो वो क्या डिनोट करेगा? 11। वेरी गुड। नेक्स्ट इज, हाउ वी राइट 25? यस, इट्स एक्स एक्स वी। एंड व्हाट द एल रिप्रेजेंट्स? फिफ्टी। यस लक्ष्य मैम आया बताओ
Yes. Ma'am, can we write XXXL? For which number? Like for ma'am, like 20. 20. Yes, you can write. But 20 ki representation dekho. XX hai hamare paas. तो छोटे नंबर से उसके जितना हम उसको छोटे नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो पहले उसको लेके चलते हैं। दोबारा बोलो मैम, आई आस्क दिस एज मैम फॉर अ स्मॉलर नंबर ओनली मैम बिकॉज आई हैड द डाउट फॉर टेकिंग अ बिग नंबर। देखो रोमन नंबर्स के ना कुछ रूल्स हैं, रोमन्स नंबर को लिखने के लिए कुछ रूल्स होती हैं, तो उसमें पहला रूल यही होता है कि आप किसी भी नंबर को 3 बार रिपीट कर सकते हो, और दूसरा रूल उसमें आई थिंक यही होता है कि जितने छोटे नंबर से आप पहले उसको लिख सकते हो उसी से ही लिखा जाता है। तो अब 20 को छोटा नंबर में एक्स एक्स से लिख सकती हूँ रेदर देन के मैं उसके लिए 50 को यूज करूँ, तो यही आप बड़े नंबर्स पे भी लगा के देखोगे। तो मैं नेक्स्ट क्लास में ऐसा करूंगी, मेरे पास प्रॉपर इसके रूल्स हैं रोमन नंबर्स में क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं, तो हम एक बार उनको डिस्कस करेंगे, फिर वहां से आपका जो क्वेश्चन है उसको आप बड़े नंबर्स पे अप्लाई करके देखें। ओके The next one is C. हंड्रेड। देखो फिर वही बोल रहे हो कि 80 को आप ऐसे लिख सकते हो, बट इसमें मैंने बड़ा नंबर 100 यूज किया और यहां पे मैंने छोटा नंबर 50 यूज किया, ठीक है? तो ये रूल्स होते हैं रोमन्स के, मैं आपको वो रूल्स लिखवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, आई प्रॉमिस कि मैं वो रूल्स लेके आऊंगी, तो वो रूल्स लिखोगे आप तो अच्छे से समझोगे कि इनके इनको ऐसे ही नहीं लिखा जाता कि कैसे भी लिख दो, इनके लिए कुछ स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं कि इनको ऐसे ही लिखा जाता। नेक्स्ट वन इज डी, तो डी किसके लिए यूज होता है? फाइव हंड्रेड और सी डी। देखो डी इज 500 एंड सी इज 100, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने 100 लिखा है 500 के, सो इट्स 400। नेक्स्ट इज डी सी सी 700, तो 600 के लिए क्या होगा मेरे पास? डी सी, वेरी गुड। व्हाट द एम रिप्रेजेंट्स? 1000। मेन सिंबल हमारे पास यही है, इनको यूज कर करके हम रोमन नंबर्स को लिखते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करना, कुछ नंबर्स ले लेके उनको लिख के देखना, फिर भी कुछ दिक्कत आए आप मेरे से पूछ सकते हो, तो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। अभी एक और टॉपिक लेके चलते हैं, पावर ऑफ 10। टेन की जब पावर्स को लिखा जाता है नो लक्ष्य, 1000 को एम से ही डिनोट किया जाता है, के रिप्रेजेंट करता है 1000 को, तो मुझे नहीं पता उसके लिए, आई एम सॉरी, मैंने रोमन नंबर्स में 1000 को एम ही रिप्रेजेंट करता है।
Yes. मैम, रोमन में 1000 से ऊपर के नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? अबव 1000 यस मैम। तो इन्हीं नंबर्स को यूज कर करके यूज किया जाता है। जैसे मैम बहुत ज्यादा नंबर्स वो लोग यूज नहीं करते थे। आई थिंक सो नहीं करते थे रोमन्स में, जो हमने स्टडी करते हैं वो यही 6-7 सिंबल्स हैं, इन्हीं को यूज करके जो नंबर्स बनते हैं बस वही लिखते हैं। ठीक है, हम मोस्टली रोमन नंबर्स को किस लिए रिप्रेजेंट करते हैं, वो आगे जैसे हम सीक्वेंस में नंबर लिख रहे हैं तो हम ज्यादातर वही लिखते हैं। वैसे तो हम मैथमेटिक्स के जो 1 2 3 है उसी को यूज करते हैं, तो जो रोमन्स में नंबर है वो 1000 तक यही सिंबल्स हैं अभी तक। थैंक यू मैम। ठीक पावर्स ऑफ 10, 10 raised to power 0, ये मैंने एक क्वेश्चन भी किया था लास्ट क्लास में आई थिंक हमने किया था कि किसी भी नंबर की पावर जब 0 हो जाता है दैट्स 1, सो इट्स 1, ये तो नॉर्मल है। 10 raised to power 1, 10, सो इट्स 10, 10 raised to power 2, इट्स 100, 10 raised to power 3, इट्स 1000, 1000 हमें पता है, 100,000 पता है, 10 raised to power 6, 10 lakh, सो इट्स 1 million, 10 raised to power 9, 1 billion, एंड 10 raised to power 12, जीरोस लगा लेना, 1 trillion। टेन रेज टू पावर माइनस 1, इट्स 0.1, इट्स 1/10। किसी भी चीज का 1/10, 10 to power minus 2, 0.01, इट्स 1/100। 10 to power minus 3, इट्स 0.01, इट्स 1/1000, 10 to power minus 6, इट्स 1/1 million। ये तो इजी था, अब मैं जो इसमें बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से देखना, वो आपके कन्वर्जन्स में काम आता है। जब आप कुछ क्वेश्चन करते हो, सपोज आप एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस कर रहे हो, तो एरिया वॉल्यूम में आपको अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो कभी कभी लिखा आता है, जैसे कुछ डायमेंशन आपको मीटर में दी है, कुछ आपको सेंटीमीटर में दी है, तो आपको सॉल्व करने के लिए या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता है। तो उनकी प्रीफिक्सेस करवा रही हूँ कि 10 की पावर क्या किस प्रीफिक्स को डिनोट करती है। ठीक है, ऐसा ही प्रीफिक्सेस इनको बोलते हैं।
अगर सिंपल 10 लिखा हो, 10 की पावर 1, इट मींस दैट्स डेका. 10 की पावर -1, दैट्स डेसी. 10 की पावर -2, दैट्स सेंटी. अब इसका मतलब क्या है, पीछे आप मीटर लगा लो, सबके पीछे मीटर आता जाएगा, ठीक है. अगर आप मीटर में लेके चल रहे हैं तो मीटर में, अगर किलोग्राम में लेके चल रहे हो तो किलोग्राम में, अगर किसी भी यूनिट में आप लेके चल रहे हो, ऐसा ही कोई भी यूनिट है तो उसकी कन्वर्जन इसी के अकॉर्डिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है, 1 meter इज इक्वल्स टू 100 centimeter, यही होता है. तो सेंटी को अगर खत्म करना है तो उसकी प्रीफिक्स यूज की जाती. 10^-3 इज मिली. आप मीटर लगा लो, किलोग्राम लगा लो, लीटर लगा लो, किलोग्राम तो नहीं आएगा, सॉरी इसमें ग्राम, मीटर, लीटर, जो भी आपकी ऐसा यूनिट आगे उनमें ये यूज होते हैं. 10^-6 इज माइक्रो. 10^-9 इज नैनो. 10^-12 is pico, and 10^-15 is femto. आगे भी होती हैं, but इतनी sufficient हैं अगर आप इतने prefixes को याद कर लो, ठीक है. ये मैंने negative power की, positive power में भी होती हैं. 10^-1 deca, 10^-2 is hecto, 10^3 is किलो. इसका मतलब पता है कैसे होता है, जैसे सपोज आपको कुछ आंसर दिया हुआ है 3 × 10^3 ग्राम, तो आपको ये 10^3 खत्म करना है, तो आप 10^3 को क्या लिख सकते हो, किलो. सो इट्स 3 kilograms, ठीक है. तो ऐसे इनको यूज किया जाता है. 10^6 is मेगा. 10^9 is giga. 10^12 is tera. And 10^15 is peta. नेगेटिव में जाते हैं तो ये 3 के टेबल पे आती हैं. 3 तक रेगुलर लिख के इनको अगर याद करना हो तो -1, -2, -3, उसके बाद 3 का टेबल, 6, 9, 12, 15. तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, ये नेगेटिव में आती हैं. पॉजिटिव में जब जाते हैं 2, 3, 6, 9, 12, 15, वही 3 का टेबल यहाँ पे भी रिपीट होता है इसकी, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा. तो ये बहुत यूजफुल रहती हैं इसमें, स्पेशली यहां तक माइक्रो तक, और ये आप मेगा तक 3 इसके लेके चल सकते हो. लक्ष्य क्या देखना है, स्क्रॉल किस चीज को करूं, ये सारी आ गई प्रीफिक्सेस. तो आई थिंक दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे.